हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू रीच होम। मेरा नाम अभिषेक है और आज हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे, बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट पे। अभी तक हमने ये सेगमेंट डिस्कस नहीं किया था। जी हाँ, तो आज हम चलने वाले हैं स्ट्रेट राजस्थान भिवाड़ी, जो कि गुरुग्राम से अप्रॉक्सीमेटली 30-35 मिनट्स का डिस्टेंस है। किलोमीटर वाइज भी 30-35 किलोमीटर की डिस्टेंस है। लेकिन जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक सीनियर लिविंग। कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अनअवेयर होंगे और कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा। तो हम आज दोनों से ही वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जो अनअवेयर है उनसे भी और जिन्हें पता है उनके लिए भी ये टॉपिक है। क्यों? क्योंकि एक नया प्रोडक्ट, एक नई लाइफस्टाइल जीने का समय मौका मिल रहा है कुछ लोगों को। 60+ की एज के बाद कई चीजें चेंज हो जाती है लाइफ में। बच्चे दूर चले जाते हैं, रहने के लिए घर तो है लेकिन टाइम बिताने के लिए इतनी ज़्यादा एनवायरमेंट चीज़ें नहीं है, क्योंकि जो क्लब हाउसेस सोसाइटीज़ में है वो यंगस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार हेजिटेशन भी होती है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि टोटली एक सीनियर लिविंग होम्स है, जिसमें रहने का क्राइटेरिया ही 55 ईयर्स की प्लस एज का है। हाँ, बच्चे आ सकते हैं, देख सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन ईयरली 90 डेज का ब्रैकेट होता है जिसमें बच्चे आकर वहाँ सोसाइटी या कैंपस में स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज ये प्रोडक्ट डेडिकेटेडली फॉर सीनियर लिविंग, जिनकी एज 55 ईयर्स से प्लस की है, उनके लिए बनाया गया है। एक एक छोटी छोटी बात, छोटे छोटे पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे। सीनियर लिविंग्स कब से चल रही हैं, कौन कौन सी जगह पर चल रही हैं, और जिस जगह पर हम आज बात करने वाले हैं भिवाड़ी, वहाँ ऑलरेडी कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सीनियर लिविंग में फुल्ली सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं, तो उन पर भी हम आज बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपकी आपसे भिवाड़ी राजस्थान में ये प्रोडक्ट्स हैं। भिवाड़ी में ऑलरेडी सीनियर लिविंग के दो प्रोडक्ट्स हैंडेड ओवर है, जिसमें उत्सव है जो कि अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 साल पुराना प्रोडक्ट है। उसको मैंने कैप्चर पहले किया हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। अगर आप उसे देखना चाहते हैं किस टाइप का प्रोडक्ट था, 20 साल पुराना प्रोडक्ट था और आज कैसे मेंटेन है, तो वो भी देखिएगा। उसके बाद मैं निर्मय की बात कर रहा हूँ, जो कि लगभग 4 से 5 साल पुराना प्रोडक्ट है। इसमें भी अभी कुछ टावर्स बचे हुए हैं जो हैंड ओवर होने हैं, तो निर्मय को भी मैंने शूट किया था, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप करूंगा, वो भी देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आशियाना अद्विक की। ये इनका टोटली ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है, जिसमें विला कम अपार्टमेंट्स का ऑप्शंस आएंगे, जिसमें लिमिटेड विलास भी हैं और अपार्टमेंट्स भी हैं, 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम्स के। ये अभी तक की सीनियर लिविंग का सबसे लग्जरी सेगमेंट सीनियर लिविंग होने वाला है। लग्जरी इन द सेंस, आपके पास लैंडस्केपिंग बड़ी होगी, आपका क्लब हाउस काफी बड़ा होगा, आपकी जो एमिनिटीज होंगी वो थोड़ी सी लविश होंगी, तो वो इस वजह से लग्जरी वर्ड इसके साथ एड ऑन हो जाता है। तो जी हाँ, मैं पर्सनली गया था, मैंने अद्विक पूरा एक्सप्लोर किया। ऑल दो अभी सैंपल फ्लैट ही बना हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी वो सैंपल विला का कैप्चर किया और ओवरऑल इनकी प्लानिंग समझी, विलाज में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या अपार्टमेंट्स के अंदर कॉन्सेप्ट होंगे और क्यों इसे डेडिकेटेडली सीनियर लिविंग बनाया गया है, उसके पीछे भी क्या स्टोरी है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आशियाना अद्विक। जी हाँ, ये वो प्रोडक्ट है जो डेडिकेटेडली सीनियर लिविंग्स के लिए ही है। और मैं वहां पर रहने वाले लोगों से भी मिला, मैं निर्मय की बात कर रहा हूँ, उनकी खुशी देखकर, उनका डिसीजन, उनका ग्रुप जो बना हुआ है वो देखकर, और जो इवनिंग के टाइम पे 4 बजे के बाद क्लब हाउसेस में लोग आने लगे थे, वो चीजें देखकर डेडिकेटेडली मुझे भी पर्सनली फील हुआ कि हमें भी अपनी प्लानिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए अगर हम आफ्टर 55 की लाइफस्टाइल को देख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आज का शेड्यूल ही हम लोगों का इतना बिजी है कि हम अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते हैं। ऑल तो घर पे साथ रहते हैं लेकिन ऑफिस मॉर्निंग में निकल जाते हैं, इवनिंग में पहुंचते हैं, थकान हो चुकी होती है, तो पेरेंट्स को टाइम देना मुश्किल हो जाता है। बातचीत थोड़ी बहुत हो पाती है लेकिन कंप्लीट एक टाइम शेड हम नहीं दे पाते हैं। या तो वो खुद नीचे जाकर वॉक कर लिया, कुछ लोग अगर मिल गए बुजुर्ग तो उनके साथ बैठ लिया, तो इस तरीके से वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अगर कपल हैं तो ऑब्वियसली बातें थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ साथ में हैं तो थोड़ा सा डिस्कशन आपस में भी एक दूसरे का हो जाता है। लेकिन वो बुजुर्ग जो सिंगल हैं उनके लिए थोड़ा सा लाइफस्टाइल ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम आज दोनों के लिए डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ सिंगल ऐसे भी हैं जिनकी एज 60+ है, बट ओवरऑल अब रहना तो
तो पड़ेगा, चीजें उस तरीके की नहीं है, तो कई बार चीजें डिस्कशन नहीं हो पाता, ग्रुप्स नहीं बने हुए तो दिल की बात हो नहीं सकती, बच्चे सब बिजी हैं, या तो कहीं बाहर हैं या फिर यहाँ पे भी हैं तो वो अपने टाइम शेड्यूल में बिजी हैं। इसमें बच्चों की भी गलती तो नहीं है, क्योंकि उन्हें भी वर्क करना है, आज का टाइम इतना स्ट्रगल भरा है, और तो इस वजह से वो लोग कई बार अकेला फील करते हैं। तो यहाँ पे मैं जब गया था तो मैं दोनों टाइप की जेंट्री से मिला, मैं कपल से भी मिला, मैं सिंगल से भी मिला। मेरा क्वेश्चन डेडिकेटेडली सिंगल्स के लिए ज्यादा था कि भाई जो अकेले हैं, जैसे कुछ जेंट्स हैं या कुछ लेडीज हैं जो अकेले हैं, उन लोगों के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा है निर्मय का, उत्सव का, इस तरीके की प्रॉपर्टीज का। तो उनकी बातें सुनकर लिटरली मैं भी शॉक था। वो ज्यादा हैप्पी थे उस पर्टिकुलर कॉन्डोमिनियम के अंदर, क्योंकि उनके पास अपने ग्रुप्स बन गए हैं, उनके पास अपने फ्रेंड्स हैं, उनके पास लोग हैं जो अपने डिस्कशन कर सकते हैं, बच्चे भी साल में एक दो बार अगर आते हैं तो उनका और मन बहलता है। तो चीजें ओवरऑल काफी पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैंने वहां पे फील करी। मैंने क्लब हाउसेस चेक किए, मैंने क्लब हाउसेस के एक एक रूम में जाके चेक किया, तो काफी एक लाइव इन्वायरमेंट था, काफी एक हैप्पीली इन्वायरमेंट कह सकते हैं कि वहां पे मैंने फील किया। तो मैं आपको निर्मय का क्लब हाउस भी मैंने शूट किया है वापस से, और ऑल दो शूटिंग टाइम जो था 4:30 का था, तो ज्यादा लोग उस समय नहीं पहुंचे थे, लेकिन लोगों का आना वहां पे शुरू हो चुका था। तो मैं निर्मय का क्लब हाउस भी पूरा आपको दिखाऊंगा, साइमल्टेनियसली मैं अद्विक की क्या प्लानिंग है और क्यों इन्होंने डेडिकेटेडली एक सीनियर लिविंग बनाई है, मैं वो भी आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं भिवाड़ी, पहले अद्विक का सैंपल और अद्विक की क्या प्लानिंग है वो देखते हैं, उसके बाद हम आगे का फर्दर डिस्कशन वीडियो के साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले सैंपल देख लेते हैं एक बार अद्विक का। मेन एंट्रेंस ये होगी आशियाना की, अभी मैं सैंपल से निकला हूँ, अभी साइट ऑफिस बना हुआ है, ये मेन गेट रहेगा आशियाना का, ये पूरा सराउंडिंग्स आशियाना ही होगा, सारे प्रोडक्ट आशियाना के ऑलरेडी यहाँ पे हैंडेड ओवर हैं। ये मेन एंट्रेंस होगी, वाटर बॉडी होगी, और ये पूरा लैंड बैंक होगा 16.5 एकड़ का। ये विला मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, इसका ये बाहर से लुक एंड फील होगा इस तरीके से, ये दो विलाज होंगे, ये एक पार्किंग होगी। बारिश बहुत तेज थी इस वजह से शूट हमें जल्दी करना पड़ा, लेकिन हम विला के पार्किंग सेगमेंट में आ गए हैं। ये देखो आप, ये गोल्फ कार्ट लगी हुई है, तो आपको कार कितनी स्पेस घेरेगी उसका आइडिया हो जाएगा। ये रैंप वॉक बना हुआ है, उस तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये व्हील चेयर के लिए रैंप वॉक दिया हुआ है, ये स्टोर एरिया बाहर ही दिया हुआ है, एक स्टोर रूम। हर एक छोटी छोटी चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि सीनियर लिविंग क्यों इसे कहा गया है और डेडिकेटेड सीनियर्स के लिए क्यों है ये। एंटी स्किड टाइल्स हैं सारी, मेन एंट्रेंस में हम एंटर हुए, ये राइट हैंड पे आपका, यहाँ पे अभी जहाँ इन्होंने टेम्पल दिया है या लिफ्ट का प्रोविजन होगा, अगर आप 8 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपको यहाँ लिफ्ट लगा के दे दी जाएगी। और ये स्टेयर्स होंगी, स्टेयर्स पे जो आप ग्रिलिंग देख रहे हैं ये स्टेनलेस स्टील की होंगी। ये आपका डाइनिंग एरिया है और ये लिविंग एरिया है। अपार्टमेंट के अंदर आपको वार्डरोब्स और मॉड्यूलर किचन मिलेंगे, ये आप देखें स्विच बोर्ड्स पे आपको नीचे लेजर लाइट्स दिखाई दे रही होंगी, ये लाइट्स नाइट में देखने के लिए है, और ये एक इमरजेंसी स्विच है, सो दैट अगर अंधेरे में आप उठते हैं और आपको स्विचेस नहीं दिखते हैं तो वो लाइट्स जलती रहेंगी, उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा। ये लिविंग रूम के साथ आपको विला के फ्रंट में एक सिटिंग स्पेस दिया हुआ है, ये देखें आप, पूरा अच्छा स्पेस है। ये भी एंटी स्किड टाइल्स है और यहाँ से वो पार्किंग वाला एरिया भी है, तो ये विला का फ्रंट होगा। इमरजेंसी स्विचेस हर रूम में, लिविंग रूम में सब जगह दिए हुए हैं, कोई इमरजेंसी अगर हो जाती है, कोई बीमारी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप स्विच दबाएंगे, विद इन 5 मिनट्स आपके रिस्पांस टीम रिस्पॉन्ड करेगी। ये डाइनिंग एरिया के साथ भी इन्होंने एक ये सिंक का प्रोविजन यहाँ पे करके दे दिया है। किचन आप देखें, एज इट इज़ आपको किचन मिलेगी, खाली वाइट वुड सॉरी आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में फ्रिज वगैरह नहीं होंगे, अदरवाइज गैस ऑफ, चिमनी और कंप्लीट वुडवर्क जो आप देख रहे हैं वो एज इट इज़ होने वाला है। सेमी मॉड्यूलर किचन है ये, पर किचन का जो वर्क था वो काफ़ी डिसेंट दिया हुआ है, नो डाउट वर्क अच्छा है। ये एक आपका अलग से सिंक दिया हुआ है और इस तरफ आपका पूरा वेट किचन दिया हुआ है इस पार्टीशन के बाद, ये पार्टीशन के इधर का है आपको वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करनी हो, और ये पार्टीशन के बाद का आपका वेट एरिया है जहाँ पे वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर और आपका सिंक भी लगा हुआ है, आरओ भी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये पीछे एक आपका लॉन एरिया दिया हुआ है, ये आप देखें, आपका अगर कोई पेट है और आपको सिटिंग एरिया भी छोटा सा दिया हुआ है तो ज़्यादा ऊंची बाउंड्रीज भी नहीं है। ये जो सराउंडिंग्स आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है हाई राइज टावर का, शुरू के 4 टावर अभी फेज़ 1 में लॉन्च किए हैं, टोटल 32 या 36 विलाज हैं जिसमें से कुछ 12 या 13 विलाज बचे हुए हैं। किचन की भी टाइल्स एंटी स्किड हैं, यहाँ पे भी स्विच बोर्ड्स आप देखें तो सभी स्विच बोर्ड्स में रात के लिए रेड लाइट्स दी हुई हैं ताकि अंधेरे में कहीं स्विचेस प्रेस करना हो तो आपको ढूंढने की आवश्यकता ना हो।
ग्राउंड पे इन्होंने एक मास्टर साइज का बेडरूम भी दिया हुआ है विद वुडन टेक्सचर टाइलिंग. एंटी इसकी टाइल्स है बट ये वुडन टेक्सचर के साथ है. रूम साइज इज वेरी गुड. स्विच बोर्ड्स आप देखें, मैं सभी जगह दिखाऊंगा आपको. और यहाँ पे आपके ये बेड्स के साथ इस लैम्प के पीछे आप देखें इमरजेंसी स्विच भी लगा हुआ है. तो बेड्स के साथ भी इमरजेंसी स्विच हर रूम में दिया हुआ है. और ये आपका चेंजिंग रूम होगा, इसके साथ अटैच टॉयलेट होगा. वार्डरोब जो आप देख रहे हैं वो एज इट इज़ मिलेगी. और बाथरूम जो आप फिनिशिंग देखेंगे, बाथरूम की डोर की WC सिंक जो भी आप लगा हुआ देख रहे हैं, ग्लास गीज़र एग्जॉस्ट सब एज इट इज़ मिलेगा आपको. ठीक है, बाथरूम में भी इमरजेंसी वो लगे हुए हैं. ये आपका उठने बैठने के लिए अलग से दिया हुआ है, शॉवर करते हुए पकड़ने के लिए स्टैंड दिया हुआ है. और ये आपको देखिए कोई भी पैनल ऐसा नहीं है जिसमें आपका मूवमेंट हो. आप सीधा सा हल्की उंगली से भी सारे वाटर टैप सारे डोर ओपन कर सकते हैं. बहुत ही माइन्यूट चीज़ों का देखिए, आपको लॉक्स भी कोई ऐसे फैंसी नहीं दिए जिसमें आपके कलाइयों का मूवमेंट हो. आप उंगली के थ्रू भी डोर्स ओपन कर सकते हैं. और ये इमरजेंसी स्विच होगा बाथरूम के अंदर भी. बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर लिविंग को एक सीनियर लिविंग बनाती हैं. इस बेडरूम के साथ पीछे जो किचन वाला लॉन है वो अटैच होगा. मैं खोल के दिखा देता हूँ एक बार. एसी आपको लगा के नहीं दिए जाएंगे, एसी आपके अपने होंगे. काफ़ी अच्छा मौसम था जब हम शूट कर रहे थे, काफ़ी तेज़ बारिश भी थी और वेदर काफ़ी अच्छा था. अब हम चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर पे. डुप्ले है ये 3 बेडरूम का. ये मैं जो बता रहा हूँ ये रेलिंग जो होंगी स्टेनलेस स्टील की होंगी. आप स्टेयर्स के गैप भी देखें काफ़ी कम है, काफ़ी कम ऊंचाई पे बनाई हुई स्टेयर्स हैं. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं नोटिस करने वाली, मैं जितना बता सकूंगा ज़रूर बताऊंगा आपको. ये हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं. फर्स्ट फ्लोर पर ये आपका एक पैसेज एरिया है जहाँ पे सिटिंग एरिया भी बना हुआ है, सोफ़ा लगा हुआ है. यहाँ लिफ्ट का प्रोविज़न होगा जो मैंने अभी दिखाया. और ये फर्स्ट फ्लोर पे एक टेरेस होगी. टेरेस पे जाना मुश्किल था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, लेकिन टेरेस साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 400 स्क्वायर फीट का था. काफ़ी अच्छा टेरेस साइज़ है. झूला लगा हुआ है. अगर आपके पास अपना पैड भी है, आप देखें ग्रीन एरिया सामने, ये आपका एग्जैक्ट ग्रीन एरिया होगा इसका. 4.5 एकड़ का लैंडस्केपिंग होगा. आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू बाय अ विला हियर, सो नो डाउट अ मस्ट बाय प्रॉपर्टी है. सीनियर लिविंग्स बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. ये सेकंड बेडरूम आ गया. इस बेडरूम का भी साइज आप देखें काफ़ी अमेजिंग है. यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं आपका, स्विचेस के साथ लाइट्स दी हुई हैं, इमरजेंसी स्विचेस दिए हुए हैं. फिनिशिंग क्वालिटी एवरीथिंग इज टॉप नॉच. यहाँ पे भी वार्डरोब आपको लगा के देंगे. ये वार्डरोब आपको पूरा मिलेगा. बाथरूम एज इट इज़ जैसा नीचे मैंने दिखाया था, ये भी सारा आपको बना के दिया जाएगा. लाइट्स फैन सब कुछ लगा के दिए जाएंगे. फैन भी बाथरूम में लगाया जाएगा सफोकेशन वगैरह ना हो उसके लिए. ये आपका थर्ड बेडरूम देखें, इसे भी मास्टर कह सकते हैं. बेडरूम साइज इज वेरी गुड. सारे ही बेडरूम्स काफी अच्छे साइज के हैं. ये वाली टेरेस जो थोड़ा हट शेप में थी क्योंकि विला को शेप दिया गया है. यहाँ पे भी स्विचेस, ये आपका वॉक इन क्लोजेट, ये लेज़र्स लगी हुई हैं. रात में नाइट लाइट्स हैं, रात में अंधेरा है तो इन लाइट्स के थ्रू थोड़ी रोशनी रूम्स में रहेंगी. ये आपका कैविटी एरिया हो गया, ये ड्रेसिंग एरिया होगा. आपका वार्डरोब लगा के मिलेंगे, ड्रेसिंग आपको खुद से सेटअप करनी होगी. बाथरूम आपको एज इट इज़ मिलने वाला है. 2600 स्क्वायर फीट का टोटल विला साइज है. प्लॉट साइज टेंटेटिव 160 to 180 स्क्वायर यार्ड का है. इसके साथ आपको वही टेरिस यूज़ करने के लिए दिया हुआ है. टेरेस साइज़ काफ़ी बड़ा है, बालकनी की ज़रूरत ही नहीं है इसमें. तो ये था इसका 2600 स्क्वायर फीट टेंटेटिव का विला. टोटल 32 विलाज हैं जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 12 या 13 विलाज ही अब बचे हुए हैं. मैंने आशा ने से पूछा भी था कि बायर कौन है आपका भिवाड़ी के लिए. उनका कहना था हमारे पास दिल्ली और गुड़गांव के पीक लोकेशंस के बायर्स हैं, जो कि बच्चे जिनके बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ सिटी हैं, उन लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट है. और वही लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड इस लोकेशन के लिए होते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट काफ़ी नीट एंड क्लीन है, पॉल्यूशन से आप दूर हैं, वैसिनिटी काफ़ी लग्जरी है, फैसिलिटीज़ काफ़ी यूनिक हैं. आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी, क्लिनिक फैसिलिटी, एवरीथिंग इज़ नियर अराउंड. अब मैं एक बार आपको इसका है ना साइट ऑफिस में इन्होंने 3D मॉडल्स रखे हुए थे 3 बेडरूम और 2 बेडरूम के, तो वो भी एक बार दिखा देते हैं. तो ये था इसका विला. अब हम चलते हैं इनके साइल्स ऑफिस पे. ये इनका 2 बेडरूम का इन्होंने 3D मॉडल रखा हुआ था.
एंट्रेंस है, एंट्रेंस के साथ आपका वही लिविंग डाइनिंग एरिया एरिया आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसके साथ किचन है, किचन के साथ स्टोर, स्टोर इनका कॉन्सेप्ट मैंने हमारा में भी देखा था, यहाँ भी देखा है, काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। बालकनी आपका लिविंग के साथ दिया हुआ है, किचन के साथ विंडो है, वॉशिंग मशीन पर्पज से एरिया बाहर होगा, ये आपका पैसेज एरिया होगा जिसके साथ कॉमन टॉयलेट होगा, फर्स्ट बेडरूम है ये, बेडरूम साइज इज डिसेंट 11.5 बाय 10, ये मास्टर बेडरूम है आप देखें 11 बाय 15 का, जिसमें कैबिनेट एरिया अलग है और बाथरूम का ये था एरिया अलग है। तो ये आपका 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था, उसके बाद हम 3 बेडरूम में एंटर हो गए, ये एंट्रेंस एरिया है, एंट्रेंस के साथ आपका लिविंग डाइनिंग हो गया, ये किचन हो गया, किचन के साथ अगेन स्टोर हो गया, स्टोर के साथ ये बालकनी, इसमें भी किचन मॉड्यूलर और वार्डरोब्स लगा के बिल्डर देगा, ये आपका एक कॉमन टॉयलेट हो गया फर्स्ट बेडरूम के साथ, ये देखें आप बेडरूम के साथ ये सामने ही कॉमन टॉयलेट है, फिर पैसेज में आ गए, फिर ये सेकंड बेडरूम हो गया, ये भी 11 बाय 12 है, 11 बाय 9 बाय 12 है, तो अप्रोक्सीमेटली 12 बाय 12 ही हो गया अटैच बाथरूम, और ये मास्टर बेडरूम हो गया। मास्टर बेडरूम में देखिए कॉर्नर में स्टडी कम वार्डरोब्स बनी हुई मिलेंगे, और मास्टर बेडरूम क्योंकि कॉर्नर पर है तो इनकी एक बालकनी साइड में भी होगी, तो ये 3 बेडरूम का ओवरऑल लेआउट था। ये 3 बेडरूम का साइज आप देखें आपको दिख रहा होगा, लेवेंडर इन्होंने नाम दिया है 3 BHK 3 बाथरूम का, कारपेट एरिया भी मेंशन है 1163 इज कारपेट एरिया। 2 बेडरूम का मैं दिखाना भूल गया था, मैं 2 बेडरूम का भी दिखा देता हूँ, 1302 सुपर एरिया है, 861 स्क्वायर। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, ये आप देखें इन्होंने इसके ठीक अद्विक के बाहर ही आशियाना वालों ने अपना स्कूल भी बनाया हुआ है, CBSE आशियाना स्कूल है, क्योंकि भिवाड़ी में अच्छे स्कूल्स लिमिटेड हैं, तो इसी वजह से इन्होंने अपने कैंपस में ही एक स्कूल भी CBSE टिल 12th पूरा बनाया हुआ है, बसेस वगैरह सारी प्रोवाइड की गई है, स्कूल काफ़ी अच्छा है। ये पूरा जो वैसिनिटी आप देख रहे हैं ये आशियाना का ही है, ये आशियाना अद्विक होगा, उसके सामने आशियाना टाउन है, लेफ्ट हैंड पे आशियाना निर्मय है, ये सारे आशियाना के रेडी टू मूव प्रोडक्ट्स हैं। मैं एक बार आपको निर्मय लेके जा रहा हूँ, क्योंकि निर्मय मैंने वैसे पहले भी शूट किया था, लेकिन दोबारा से ले जा रहा हूँ सो दैट एक्चुअल आइडिया दोबारा से हमें लग पाए। बारिश बहुत तेज़ थी यहाँ पे आज। ये निर्मय का टावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, निर्मय में भी 2 से 3 टावर्स हैं जो अभी हैंडओवर के लिए बाकी हैं, बाकी सोसाइटी पूरी हैंडओवर हो चुकी है, काफ़ी लाइव सोसाइटी है नो डाउट। एज अ सीनियर लिविंग मुझे, मैंने अभी तक ऐसा कॉन्सेप्ट और इस टाइप की एंजॉय करते हुए सीनियर्स बहुत कम देखे हैं, तो सोसाइटी वाइज अगर हम बात करें तो बहुत ही मज़ा आया इसको विजिट करके। ये SDFC का ATM भी बाहर ही दिया हुआ है। अब हम आशियाना निर्मय में एंटर करेंगे, ये मेन गेट है निर्मय का। आप सोसाइटी का मेंटेनेंस देखें, 4 साल पुरानी सोसाइटी है, हैंडओवर हुए हो गए, आप लैंडस्केपिंग देखें, बारिश हो रखी थी ऑल दो, बट फिर भी काफ़ी नीट एंड क्लीन वेल मेंटेन्ड सोसाइटी है। इंटरनल रोड्स आप देखें फुल्ली आपका सीमेंटेड रोड्स बनी हुई हैं, व्हीकल्स आपके ओपन पार्किंग स्टिल पार्किंग सारे प्रोविजन हैं। ये आप क्लब हाउस देख रहे हैं इसका, अब हम क्लब हाउस एक बार चलते हैं अंदर। देखिए ये एक्टिविटी एरिया है, एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं पर डे क्या क्या एक्टिविटीज़ सीनियर्स के लिए होती हैं, मैंने ऑल दो एक पूरा वीडियो आगे अटैच किया है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, 7 मिनट का है, लेकिन आपको आइडिया होगा। ये एक्टिविटीज़ आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर डे एक्टिविटीज़ यहाँ पे इन्होंने ये लोग करवाते हैं। ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं ये सब एक्चुअल हैं। लाइब्रेरी सेक्शन मैं थोड़ा सा जल्दी था, अगर मैं इवनिंग के 5 बजे आता तो शायद ये पूरा मुझे क्लब हाउस फुल मिलता। लाइब्रेरी से ही इन्होंने स्विमिंग पूल का व्यू दिया हुआ है, सिटिंग एरिया स्विमिंग पूल के साथ दिया हुआ है। अब हम चलते हैं, ये आपके वॉशरूम एरियाज बने हुए हैं, क्लब हाउस काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड था। ये आपका सिटिंग एरिया है वाटर बॉडी के साथ, आप कुछ अपना ब्रेकफास्ट लंच कुछ एंजॉय करना चाहें तो यहाँ बैठकर कर सकते हैं। ये आपका मेस है, अभी ओपन होगा, तब तक हम पार्टी हॉल देख लेते हैं। ये पार्टी हॉल है, यहाँ पे भी आपका डे टू डे बेसिस पे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, कभी डांस कभी सिंगिंग कभी कुछ, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ अलग अलग डे पे यहाँ पे प्रोवाइड आशियाना के द्वारा ही की जाती है। ये मेस एरिया है, यहाँ पर आपको डेडिकेटेडली आला काटे भी मिलेगा और फिक्स्ड मेन्यू भी है, घर जैसा खाना बिल्कुल मिलता है। आप 9,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से तीनों टाइम का खाना ये आपको प्रोवाइड करते हैं, आप घर पे भी मंगवा सकते हैं यहाँ पे भी आके खा सकते हैं। ये मेन्यू कार्ड है आला काटे का, आप देखें तो प्रॉपर पूरा रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं ये लोग। ओके
स्विमिंग पूल्स के अंदर भी मैंने एक छोटी सी चीज़ नोटिस करी थी, यूजुअली मैंने कहीं और नहीं देखा है क्योंकि ये सीनियर लिविंग है, तो स्विमिंग पूल के अंदर भी आप देखें सिटिंग एरिया अलग से बने हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, ये देखें, तो ये भी काफ़ी अच्छी सी चीज़ है। मतलब सीनियर लिविंग का कॉन्सेप्ट आई थिंक सुनने में आता है कि ये आप देखें क्लिनिक एरिया, इन्होंने छोटी सी ओपीडी भी बनाई हुई है, ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर दोनों रखे हुए हैं, आपका जिम एरिया है, अंकल एक जिम कर रहे थे, मैंने इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया, ये बोर्ड गेम एरिया है, यहाँ पे चेस कैरम सारी चीज़ें रखी हुई थी। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यूएस से उठाया गया है, आशियाना के ऑनर एक यूएस गए थे, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे और ये कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे फॉलो किया जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। देखिए बिलियर्ड्स रूम आ गया है, स्नूकर टेबल बिलियर्ड्स टेबल दोनों रखी हुई हैं, ये थिएटर था, थिएटर में भी आपकी मूवीज़ आप अपने हिसाब से ओटीटी कंटेंट या पेन ड्राइव के थ्रू मूवीज़ का इन्जॉय यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक बार आपको बालकनी है ये क्लब हाउस की, तो इससे मैं आपको देखिए टावर्स का देखें, आप फिनिशिंग देखें, कहीं आपको कोई स्पॉट्स कहीं कोई दाग धब्बा कुछ भी दिखाई नहीं दिया होगा। ये आपका टेबल टेनिस रूम था एक, वो भी अब मैं यहाँ से शूट करूँगा। देखिए मैं नोटिस कर रहा था कि लोग अब रेडी होकर इवनिंग टाइम था 4:30 का आना शुरू हो गए थे, अंदर ये कार्ड रूम था लेकिन लोग बैठे थे इसलिए मैंने शूट नहीं किया। ये आप देखें आउट स्ट्रक्चर ऑफ दिस टावर्स, इसमें विलाज नहीं है बट ये एम्पी थिएटर वगैरह पूरा यहाँ से वैसिनिटी देखें, कितना नीट एंड क्लीन एंड वेल मेंटेन सोसाइटी है आशियाना की है। ये देखिए मैंने नोटिस किया था लोग आना शुरू हो गए थे, पूरा रेडी होके अप टू डेट बुजुर्ग लोग आ रहे थे और मैंने कुछ लोगों से बात भी करी थी, ऑल्दो वो शूट तो मैंने नहीं किया। ये मंदिर है, मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। अब मैं आपको एक एक्चुअल वीडियोस जो शूट किए हुए हैं इन्होंने निर्मय के और पुराने इनके उत्सव के वहाँ पे लेके चलता हूँ, वो एक बार पूरा वीडियो आप चेक कीजिए। जिंदगी के ये हसीन पल तुम अपने ढंग से अपनी रफ्तार से अपने रूल से जियो। ये जो बुजुर्ग आप देख रहे हैं ये सारे एक्चुअल रेजिडेंट्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं और ये डे टू डे बेसिस पे ये सारी एक्टिविटीज को एंजॉय करते हैं। यहाँ के ट्रेनर्स जो हैं, जो आशियाना के द्वारा ट्रेनर्स रखे गए हैं, वो ट्रेनर्स भी पूरे तरीके से ट्रेन किए जाते हैं, उन्हें पिल्स देके सुलाया जाता है, फिर इनके हैंड्स पे लेग्स पे वजन रख के इन्हें बांधा जाता है और फिर बाद में जब ये उठते हैं तो काफी हैवी फील होता है, काफी मोटा चश्मा पहनाया जाता है। ओवरऑल एक बुजुर्ग कैसा फील करता है, कैसे बॉडी पेन फील करता है, कैसे जब वो ब्लर हो जाती है उनकी विजन कैसे फील करता है, वो सारी एक्टिविटीज इनके सारे जो ट्रेनर्स हैं उनको कराई जाती है सो दैट बुजुर्गों की पेन को वो समझ पाए और उसी तरीके से इनको ट्रीट कर पाए। सपने देखते हैं रोज एक सुकून भरी जिंदगी के, जिंदगी तो यूं ही कट रही है और कट जाएगी, फिर जाने क्यों हम उसको बड़ा जीने से डरते हैं। तो भाई आइए बेझिझक बेफिक्र होकर आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बड़ी ही हसीन जिंदगी से। आशियाना द्विक, एक ऐसा सीनियर लिविंग जो बनाया गया है आप जैसे एक्सपर्ट्स के लिए। ये 16.9 एकर्स का शानदार प्रोजेक्ट लोकेटेड है भिवाड़ी एनसीआर में। तो आइए शुरुआत से शुरुआत करते हैं, यानी मेन गेट से, जहां सिक्योरिटी तो 2400 घंटे है लेकिन शहर के शोर से दूर कुदरत के खूबसूरत नजारे भी हैं। वाटर बॉडीज हो या ग्रीनरी, इस प्रोजेक्ट की हर चीज आपकी छोटी से छोटी जरूरतों को ध्यान में रख के बनाई गई है। स्टार्ट में वाटर बॉडी जो शूट कर दी है सेम वाटर बॉडी है, तो सब कुछ बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। ये आपके विलास होंगे सेंटर में, सराउंडिंग्स में आपके टावर्स होंगे। तभी तो हमने इसे लैंडस्केप से कई ज्यादा एक्टिव स्केप का नाम दिया है। यहाँ आपकी सुबह होगी इंट्रोस्पेक्शन स्फीयर से, जहाँ आप अपने नए दोस्तों के साथ योगा, एक्यूप्रेशर वॉक्स और एक्सरसाइज एंजॉय कर सकते हैं, या फिर एक्वा जोन में स्विमिंग कर सकते हैं, और अगर तैरना नहीं जानते तो लेजर पूल और जकूजी तो है ही। मॉर्निंग रूटीन से अगर थक भी जाओ तो कुछ वक्त हमारे फॉरेस्ट बेथिंग जोन और रिलैक्सेशन स्क्वायर में बिताकर आप सचमुच रिलैक्स हो जाएंगे। थकान के साथ फन भी चाहिए तो आपके लिए है एक और स्पेशल जोन, ये है आशियाना अद्विक का स्पोर्ट्स जोन, जहां आप टेनिस बैडमिंटन और क्रिकेट खेलकर
अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। इस स्पेशली डिजाइंड एरिया में चेस, कार्ड्स और कैरम जैसी बोर्ड गेम्स भी अवेलेबल है। आप पिकनिक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आउटडोर जिम यूज कर सकते हैं और किड्स प्ले एरिया में आपके नाती पोतों की विजिट्स को और भी मेमोरेबल बना सकते हैं। इन जोन्स के अलावा आशियाना अद्विक में है एक शानदार क्लब हाउस, एक खास जगह जहां आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करेंगे। यहां आपकी सेहत और सहूलियत के लिए है डाइनिंग हॉल, जहां आप लजीज खाने का लुत्फ उठा सकते हैं या घर पर डिलीवर भी करवा सकते हैं। और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए यहां है इंडोर बैडमिंटन, कार्ड्स रूम, जिम, टीटी और बिलियर्ड्स जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज के डेडिकेटेड एरिया और इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज। यहां आप अपने आप को ना सिर्फ इंगेज्ड रख सकेंगे पर अपने सारे अनकहे और अधूरे सपने भी साकार कर सकेंगे। कुछ रोमांटिक और स्पेशल लम्हे बिताने हो तो आपके लिए है टेरेस कैफे, एक खुशनुमा व्यू के साथ, और साथ में है रेस्टोरेंट और मूवी स्क्रीन भी। पूरे दिन की मौज मस्ती के बाद आप जब अपने घर आएंगे तो आपकी हर जरूरत का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये है हमारा 3BHK अपार्टमेंट। आशियाना अद्विक के हर एक रेसिडेंशियल यूनिट को थॉटफुली डिजाइन्ड, मॉडर्न और सीनियर फ्रेंडली फीचर्स देख के आप सच में कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स ही बना सकते हैं। आप जैसे सीनियर्स की मैक्सिमम सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हर एक कमरा, उनकी दीवारें, फर्श का एक एक टाइल और तो और एज फ्रेंडली फीचर्स जैसे ग्रैब रेल्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, नाइट लैम्प को बेहद बारीकी से चुना गया है। थिएटर और पिकनिक एरिया मानो आपको बाहें फैलाए इनवाइट कर रहा है कि आओ थोड़ी देर यहां भी बिताओ और आपके अपनों के साथ सुकून और मस्ती के कुछ और पल बिताओ। आओ इस हसीन जिंदगी को पूरी तरह से स्वाभिमान से जिए। क्योंकि नाम, शोहरत, काम और इज्जत मानो सब कुछ कमा लिया है तो अब जिंदगी की इस सेकंड इनिंग्स में खुशियों के कुछ पल भी कमा लेते हैं। आशियाना अद्विक, सीनियर लिविंग रीइमेजिन्ड। हेलो जी, तो कैसा रहा आप लोगों का भिवाड़ी का टूर? उम्मीद करता हूँ चीज समझ में आई होगी, क्या मेरा कॉन्सेप्ट है वीडियो बनाने का, क्यों मैं ये वीडियो बनाकर आप सब तक इस कॉन्सेप्ट लिविंग को पहुँचाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मैंने एक प्रॉपर अद्विक की वीडियो थी जो अटैच करी थी,
तो उसमें लैंडस्केपिंग कैसी होगी, क्लब हाउस कैसा होगा, उसका पूरा एक्चुअल आइडिया आपको लग गया होगा। अंदर ही कैफेज होंगे, अंदर ही रेस्टोरेंट्स होंगे, सारे गेमिंग कोर्ट्स होंगे, बच्चों के लिए डेडिकेटेड एरिया होगा, बुजुर्गों के लिए डेडिकेटेड योगा गार्डन है, आपका एक फॉरेस्ट थीम होगी जिसमें बैठकर आप मेंटल अगर आप पीस चाहते हैं तो वहां पर जा सकते हैं। तो क्या नहीं है, राइट? तो अगर हम एक सीनियर लिविंग की बात करते हैं तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि क्यों इतनी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर एक सीनियर लिविंग बनाई जा रही है। और इनका एक्सपर्टीज बहुत पुरानी है, इनका एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। तो जितने नए प्रोडक्ट और अगर ये कॉन्सेप्ट पे लेकर आएंगे तो डेफिनेटली पुराने प्रोडक्ट की अगर कुछ कमियां हैं तो उसको भी यहाँ पे ये क्लियर करेंगे, उन्हें भी यहाँ पर रेक्टिफाई करेंगे। तो अद्विक वन ऑफ अ ग्रेट प्रोडक्ट ऑफ भिवाड़ी होने वाला है आने वाले समय का। और अगर आप सीनियर लिविंग थीम देख रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि रेंटल्स बहुत अच्छे आएंगे यहाँ पे और रेंटल टीम इनकी खुद की होती है तो आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो खुद के लिए हो, आप विला खुद के लिए प्लान अप कर सकते हैं, क्योंकि गुड़गांव में इस साइज का विला अगर हम लेते हैं तो मिनिमम स्टार्टिंग है, मिनिमम बात कर रहा हूँ 5 to 6 CR। यहाँ पर वही चीज आपको अंडर 2 CR में मिल रही है। अब लोगों का क्वेश्चन होगा कि वो भिवाड़ी है, वहां क्यों जाना है, किस लिए जाना है। रेगुलर कम्यूट वालों के लिए ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन सेकेंड इनिंग ऑफ लाइफ के लिए है, जो 60 ईयर्स के बाद की लाइफ स्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं, या 60 ईयर्स के बाद ना किसी से बॉदर होना चाहते हैं ना किसी को बॉदर करना चाहते हैं। बच्चे अपना कमा खा रहे हैं, वो आके यहाँ मिलना चाहे मोस्ट वेलकम। बच्चों के पास कभी जाना है तो एयरपोर्ट कोई बहुत दूर नहीं है, गुड़गांव यहाँ से 30 मिनट के डिस्टेंस है तो एयरपोर्ट यहाँ से 1 घंटे की डिस्टेंस है, तो ये मैनेजेबल है। तो आपने कहीं बाहर बच्चों से मिलने जाना है तो भी आपको बहुत दूर नहीं है, बच्चे भी आपके पास आते हैं तो जिस टाइप की लेविश सोसाइटी है, जिस टाइप का लेविश कॉन्डोमिनियम है, उन्हें भी कहीं भी कोई बोर फील नहीं होगा। सबको ध्यान में रखकर बनाया हुआ प्रोडक्ट है। माइन्यूट चीजों पर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने वीडियो में ऑल्दो पूरी कोशिश करी है, स्टेयर्स का साइज, स्विच बोर्ड्स, क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं, कई चीजें ऐसी भी होंगी जो मैं भूल गया होगा, लेकिन फिर भी कोशिश यही करिए कि हर एक चीज आपको समझा पाऊं, बता पाऊं। वीडियो में जो आपने बुजुर्ग देखे, जो हैप्पीनेस आपने देखी, वो सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बनाई गई है, एक्चुअल फीलिंग है। मैं अपना खुद की फीलिंग शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, मैं गया था, मैंने देखा है और देख समझ के ही मैंने ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया था, क्योंकि मैं भिवाड़ी में कभी ऐसे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किए, लेकिन आई वॉन्ट टू सेल दिस प्रॉपर्टी। और मैं ये न्यूज आप तक पहुंचाकर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से अवगत कराना चाहता हूं कि आप इस चीज को देखें, चीज को समझें, इन्वेस्टमेंट हो या पेरेंट्स के लिए घर हो या खुद का फ्यूचर प्लानिंग हो, ये एक तरीके की फ्यूचर प्लानिंग है जो आप लोगों को जरूर करनी चाहिए। जी हाँ, हम में से हर कोई चाहता है कि 55 टू 60 की एज के बाद हमारी लाइफ जैसी आज चल रही है वैसी ही हो। उसके लिए हमें ग्रुप्स की जरूरत होगी, फ्रेंड्स की जरूरत होगी, हर चीज रिक्वायर्ड होगी। ऑब्वियसली बात है, जो हमारे स्कूल टाइम के फ्रेंड्स थे वो कॉलेज टाइम में नहीं थे, कॉलेज में काफी फ्रेंड्स थे वो अब जब वर्किंग हो गई है तो काफी प्रोफेशनलिज्म आ गया है, तो ओवरऑल सर्कल्स बने हुए हैं, लेकिन अब वो सर्कल्स छोटे होते जा रहे हैं। जब एज और बढ़ेगी तो डेफिनेटली सर्कल और छोटा होता जाएगा। तो उस चीज से आज हमें उसके बारे में सोच के अभी से ये प्लानिंग करनी होगी, सो दैट बाद में हमें इन चीजों के बारे में सोचना ना पड़े। तो मैं तो अभी से अपने बारे में सोचने लगा हूं, आशा करता हूं आप लोग भी इस बात को सोचेंगे, समझेंगे और इस प्रोडक्ट के बारे में कौन सी लोकेशन है, कहां पर है, कैसा है, देखना है, हर चीज के लिए आप हमें कनेक्ट करें। हम आपको साइट विजिट कराएंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे, समझाएंगे, विलास बहुत लिमिटेड बचे हैं। दोस्त हुआ लुकिंग सीरियसली फॉर विलास तो बेस्ट टाइम टू बाय, क्योंकि विलास की जो लोकेशन है, जो आगे का व्यू, पीछे का व्यू, ओवरऑल सोसाइटी कॉन्डोमिनियम बहुत ही यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल है। सराउंडिंग्स पूरा आशियाना है, पूरा एक वेल मेंटेन्ड सिटी का फील आता है। स्कूल्स अवेलेबल हैं, अंदर ही रेस्टोरेंट्स होंगे, अंदर ही कैफेज होंगे, आपकी ग्रोसरी स्टोर, आपके नीड की हर एक चीज है, मेस एरिया दिया हुआ है। आप 9000, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि 9000 रुपए देके पर पर्सन आप खाना बनवाना चाह बनवा कर रूम में घर पे बुलवा सकते हैं, आप मेस में आके खाना चाहते हैं खा सकते हैं। तो दिस इज द एक्चुअल सीनियर लिविंग लाइफ जो हमें आने से वाले समय में जीनी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो जल्दी से नंबर पर कॉल करें, डील बुक करें और आपसे दोबारा जल्दी मिलते हैं और इस चीज की बुकिंग करवा लें हमसे। थैंक यू सो मच।